पते जी ये हाल नहीं हुआ। कोविड के दौर में हमारे लिए जहां सर्वाधिक रूप से उपचारित मरीज भर्ती है वो एकमात्र स्थान मेडिकल कॉलेज, इसलिए मेडिकल कॉलेज में जहां हमने भविष्य की संभावनाओं को लेकर भी और पिछले बीते दो दिन पहले जब मीटिंग की थी तो हमने कहा बेड क्षमता बढ़ाने का निर्णय लिया था। मुझे संतोष है इस बात का कि हमने जो निर्णय लिए हैं उसके करीब करीब हम किनारे पहुंच रहे हैं। जो छोटे स्थान है तहसील प्लेस है, बड़े स्थान है जहां संभावना थी, जैसे जिला चिकित्सालय रतलाम है, मेडिकल कॉलेज है, आलो ताल छोटे से नामली और लीलपान जैसी जगह पे भी हमने ऑक्सीजन बेड बढ़ाने की बात की और उम्मीद कर रहे हैं कि जिस दिन का अभी दो तीन दिन का ट्रेंड बना है, दो पांच दिन का, और जो रणनीति बनी, कोई भी व्यवस्थाओं को जीतने के लिए उसकी प्लानिंग पर डिपेंड करता है, भगवान की दया से प्लानिंग यहाँ अच्छी बनी है तो उसका लाभ हमको मिलेगा। मरीजों से भी मिले हमें क्या बताया कुछ? देखिए मरीजों से मिलना अपनी जगह ठीक है, मरीजों का अपना जो हमने मेन्यू है उसको चेक किया, दवाइयों की दृष्टि से बात की है, हमने कहा कि मरीज के लिए तो जो अगर शुगर के पेशेंट नहीं है तो उनके लिए कुछ जैसे हमने उज्जैन में चालू किया है, बाकी जगह भी चालू किया, अगर टेस्ट के लिए कुछ आप मिठाई भी दे सकते हैं मरीज को, इसमें खाने में कोई परहेज नहीं, परहेज इतना ही है कि जो उसको जितना दूसरों से डिस्टेंस रखना है ताकि दूसरों को संक्रमित नहीं करे और एक निश्चित समय अवधि में वो अपने आप को नेगेटिव पे जाए तब तक के लिए हमको वेट करना पड़ेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सब हमारे जनप्रतिनिधि माननीय चेतन जी कश्यप हमारे वरिष्ठ विधायक, माननीय डॉक्टर रविंद पांडे जी वरिष्ठ विधायक हैं, हमारे दिलीप मकवाना जी वरिष्ठ विधायक और जिलाध्यक्ष जी और सारे लोगों को लेकर के चलने के पीछे भाव ये है कि कुल मिलाकर के अब आज की स्थिति में रतलाम बहुत ठीक स्थिति में आया है, उसको और अच्छे से बना के चलना। मैन पावर की काफी कमी है मेडिकल कॉलेज में, किसी बात के लिए नहीं, हमने पिछली बीतनी बैठक में ही निर्णय कर लिया था कि जो हमारे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चे हैं उन बच्चों को ही उसमें दो महीने के लिए अपने 25,000 महीने के आधार पर जो जो भी आना चाहते हैं उनको उस काम से जोड़ लिया जाए तो मेडिकल कॉलेज के बच्चे वो अपने उनको खुद को एक अनुभव भी हो जाएगा और ये कोविड से लड़ने के साथ साथ हमको मदद भी मिल जाएगी।